Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video we are going to learn a HMM drug, and this drug name is Abiscanadensis. So we are going to learn this drug, which is from fourth year syllabus or final year BHMS syllabus. So we are going to start with this very short drug. Let's see. Now this drug name is Abiscanadensis. As the name suggests, like Abiscanadensis, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? जो भी ड्रग हमें पूछा जाता है या फिर जो भी ड्रग हम लोग पढ़ाई करने वाले होते हैं ना, तो उसको एक बार देखना चाहिए प्रॉपरली. उस ड्रग के नाम को देखना चाहिए, फिर उस ड्रग में क्या है ये सब कुछ हमें समझ लेना चाहिए. तो पहली बात तो ये मैंने ना अपने लिए पढ़ा था, जब मैं फाइनल में थी तब मैं ये अपने लिए ऐसे किया था, ठीक है. तो एबीज से क्या होता है, तो ए बी. सो Abiscanadensis इज गिवन फॉर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, ठीक है. तो मैंने एबीज लिखा था. तो मैंने ना, मैं आपको ये पूरा का पूरा पेज दिखाती हूँ. ये कुछ ऐसा है, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट ड्रग फ्रॉम पार्ट टू एंड दिस बुक इज दुबे. ओके, मैं आपको मतलब बता नहीं रही हूँ या फिर कुछ ऐसे बोल नहीं रही हूँ कि ये रेफर मत करो या करो, लेकिन दिस बुक इज गुड फॉर योर एग्जाम पर्पज, सो डू रेफर दिस बुक. ओके, एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट तो इसमें से किया तो भी आपका फाइनल ईयर के सारे ड्रग्स, जो भी कीनो ड्रग्स होते हैं, वो सबके सब हो जाएंगे कवरअप, ठीक है. सो लेट्स सी द ड्रग नाउ. अभी मैं ना आपको एक पेज पे दिखाती हूँ. लाइक देखो, अभी हमारे ड्रग का नाम क्या है, Abiscanadensis, ठीक है. तो एबीस, ए बी, ठीक है. तो ये आता है एब्डोमेन, तो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स. तो Abiscanadensis में मोस्टली क्या है एब्डोमिनल कंप्लेंट्स में, तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स एंड यूट्राइन कंप्लेंट्स, ठीक है. तो ये दोनों याद में रखने का, एबीस के ऊपर से एब्डोमेन, और एब्डोमेन में क्या आता है, तो गैस्ट्रिक और यूट्रस, ठीक है. तो ये दोनों ध्यान में रखो. एनाटोमिकली इफ यू विल गो देन दिस विल बी रॉन्ग एज पर द एनाटोमिकल पोजिशंस, बट अगर हम लोग लॉजिकली थिंक करेंगे देन गैस्ट्रिक एंड यूट्राइन कंप्लेंट विल बी ईजी टू रिमेंबर अकॉर्डिंग द की वर्ड और यू नो हिंट, ठीक है. एबीस से एब्डोमेन एंड देन गैस्ट्रिक एंड यूट्राइन, राइट. सो नाउ लेट्स टर्न टू द Canadensis. सो अभी ये Canadensis जो है ना, ये आपको सेपरेट नोट्स निकालने इस पूरे ड्रग के, की नोट भी होगा ना फिर भी आपको ये याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको सेपरेट नोट्स निकालने पड़ेंगे. सो देखो, Canadensis का CAN, ठीक है, उतना ही हमें लगेगा, तो हम लोग सिर्फ उतना ही लेंगे और मोस्टली एग्जाम में पूरा नाम नहीं पूछते कोई, तो सिर्फ ऐसे पूछेंगे Abiscan, ठीक है. लेट मी फोकस, या सो Abiscan, ठीक है. तो कैन के ऊपर से क्या क्या चीज आती है, पहले तो हम लोग कैन लिख लेंगे. यहाँ पे हमने तो पूरा नाम ही लिख लिया है, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे इसके की निकालेंगे. पहले तो जब भी हम लोग एग्जाम में पूछा जाएगा ये, तो हम लोग पहले उसका कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है. हेमलॉक स्पूस, तो ये कुछ भी प्रोनाउंस कर लो. तो ये जो है ना, ये हमें याद रखना है. तो कैसे याद रखेंगे, तो ये पांच बार बोलेंगे फुल नेम, और एग्जाम में अगर हाफ नेम भी दिया गया होगा तो भी हमें फुल नेम लिखना है, ठीक है. फिर हम लोग Abiscanadensis ऐसे पांच बार बोलेंगे विथ इट्स कॉमन नेम, देन यू विल गेट बाय हार्ट. और इसकी रिविजन हमें बार बार करनी है, सो दैट यू विल रिमेंबर द कॉमन नेम कंप्लीटली, ठीक है. फिर Canadensis से उसकी फैमिली आती है, देखो, कॉर्नीफेरी. सो कॉर्नीफेरी में क्या आएगा, CON स्टार्टिंग में, ठीक है. यहाँ पे क्या है, CAN. तो पहला हिंट तो यही होगा हमारा, तो कॉर्नीफेरी फैमिली CONIFERI, ठीक है. तो कॉर्नीफेरी CON बन गया कैन से कॉर्नी सी, ठीक है. फिर आता है इसके स्टमक कंप्लेंट्स में, तो पहले तो हम लोग स्टमक कंप्लेंट्स ही देख लेते हैं इसके. तो स्टमक कंप्लेंट्स में मेन कंप्लेंट क्या है, तो मेन कंप्लेंट है कनाइन हंगर, ठीक है.
कनाइन हंगर, बहुत ज्यादा इतना खाना फिर भी मन नहीं भरता, दैट इज व्हाट कनाइन हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगना, खाने के ऊपर खाना, बहुत ज्यादा ठूसते रहना, दैट इज कनाइन हंगर. सो लेट्स सी द स्टमक कंप्लेंट्स फर्स्ट. सो इट इज गिवन हियर, कनाइन हंगर विथ नॉस इन दी या फिर वांस इन दी स्टमक कॉजिंग अ सॉर्ट ऑफ फेंटिंग फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम. ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या होता है, तो कनाइन हंगर है मतलब हमें अगर कुछ वरी है, कुछ हमें किसी चीज की एंजाइटी है, किसी चीज को हम लोग डर रहे या फिर किसी चीज को हम लोग यू नो पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज हमें मिल नहीं रही है, उसका हमें टेंशन आ रहा है, उसका हमें प्रेशर आ रहा है, और उसी के टाइम पे हम लोग इतना ज्यादा खाना खा रहे हैं, इतना ज्यादा फूड इंटेक कर रहे हैं ना कि वो डाइजेशन के लिए इम्पॉसिबल हो रहा है या फिर वो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है हम लोगों को. सो दैट इज वॉट कनाइन हंगर, एंड दिस ड्यू टू दिस थिंग वॉट इट इज फीलिंग लाइक फेंटिंग फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम. ठीक है, तो इसी वजह से हमें फेंटिंग फीलिंग हो रही है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है, एंड देन वॉट दिस कॉजेस वॉट, तो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन. ठीक है, एंड एब्डोमेन विथ सीवियर पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट. सो ये जो ब्लैक कलर में जो की दी है ना, तो दिस इज की नोट और दिस इज PQRS सिम्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग. सो दिस यू हैव टू स्टार एंड दिस यू हैव टू लर्न एंड टेक इट इन योर नोट्स. ठीक है, सेपरेट नोट्स में. सो अभी हम लोग कहां थे, तो कनाइन हंगर पे थे, दैट इज में किस चीज का यू नो हिंट था वो CAN का, तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे हमारे नोट्स में, तो कनाइन हंगर. अगेन कैन का यूज हो गया, चलेगा. तो कैनेडिनसिस से कॉर्निफेरी और कैनेडिनसिस से कनाइन हंगर, राइट. सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सो इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है, दिस रेमेडी इज गिवन फॉर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स. ठीक है, हम लोगों ने तो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स कॉमनली ले लिया, बट दिस रेमेडी इज पिक्यूलियरली यू नो एक्टिंग ऑन क्रॉनिक गैस्ट्रिक अफेक्शंस एंड यूटेराइन डिसऑर्डर्स. ठीक है, सो दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर बाय दिस हिंट. एंड नाउ क्लिनिकली इट इज गिवन फॉर इनडाइजेशन, लिवर डिसऑर्डर्स एंड द यूटेराइन डिसऑर्डर्स. लेट्स सी द स्पीयर ऑफ एक्शन. एज आई टोल्ड यू, स्पीयर ऑफ एक्शन एब्डोमेन पे है, मतलब कीनोट तो एब्डोमेन पे है, तो कहाँ कहाँ एक्ट करेगा, तो स्टमक पे और यूटरस पे एक्ट करेगा. एंड दिस हार्ट एंड लंग इज नॉट दैट नेसेसरी बिकॉज इट इज नॉट आस्क इन एग्जाम, बट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो इट इज ऑल्सो गिवन फॉर हार्ट एंड लंग्स. नाउ वॉट काइंड ऑफ कंडीशन डज इट प्रोड्यूसेस, ये कटारल कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं. सो अभी देखो, मैंने यहां पे सर्कल किया, दैट इज जस्ट मीनिंग इज, अभी देखो कैनाडेंसिस से कनाइन हंगर, कॉर्निफेरी फैमिली एंड कटारल कंडीशन, दिस इज द की नोट ऑफ दिस एबिस कैनाडेंसिस का स्टमक कंप्लेंट. सो विल राइट दिस इन द हमारी नोट्स में. ठीक है, कटारल कंडीशन ऑफ स्टमक. ठीक है, तो ये हमारा नोट्स तैयार हो गया. ठीक है, इस पर्टिकुलर रेमेडी का ये नोट तैयार हो गया हमारा. और भी नोट्स में क्या ऐड करेंगे हम लोग, तो ये डिस्टिंक्शन ऑफ एब्डोमेन एंड स्टमक एंड एब्डोमेन विद अ सीवियर पैल्पिटेशन ड्यू टू कनाइन हंगर विच इज दिस. ठीक है, सो ये इतना ही चीज आपको नोट्स में लिखनी है विद द ब्लैक पेन. ठीक है, दिस आर द स्टमक कंप्लेंट्स. नाउ लेट्स सी द गाइडिंग सिम्टम्स. सो गाइडिंग सिम्टम्स में क्या है, तो ग्रेट डिबिलिटी विद द स्ट्रांग डिजायर टू लाई डाउन एंड द रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ये आदमी कैसा रहता है, पड़ा ही रहता है तब भी उसको अच्छा लगता है. देन वार्निंग हंग्री फेंट फीलिंग ऑफ एट द एपिगैस्ट्रियम. सो दिस इज वॉट द PQRS और द स्टार कीनोट सिम्टम्स विच यू हैव टू नोट डाउन इन द स्टमक का नोट्स. ठीक है, एंड देन क्रेविंग फॉर मीट, पिकल्स, रेडिश, टर्निप्स, कोर्स फूड एक्सेट्रा इज पिक्यूलियर. तो ये सब कुछ, कोर्स फूड मतलब वो सीरियल पल्सेस, जो हार्ड वाले जो बीन्स वगैरह रहते हैं ना, ऐसे
लगते दांत में खाते समय, दैट इज व्हाट कोर्स फूड. ठीक है, सो चिलीनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक. सो अगेन यू सी चिलीनेस. ठीक है, तो कैनेडिनसिस का सी यूज हो गया. हर बार कुछ ना कुछ चीज यूज होती है. ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग पहले तो कैनेडिनसिस का सी ओ एन, ठीक है, फिर सी ए एन, फिर सी ए टी, एंड नाउ इट इज सी एच आई डबल एल, चिली पेशेंट. ठीक है, चिली पेशेंट, तो सी यूज हो गया इसका, चलेगा. सो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर. और ये कब रिमेंबर हो जाएगा, जब आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोग इस पे फोकस करेंगे, देन यू विल रिमेंबर दिस. ठीक है, देन यूटरस कंप्लेंट, यूटराइन कंप्लेंट पे. ठीक है, तो यूटराइन कंप्लेंट पे क्या देखेंगे हम लोग, तो यूटराइन कंप्लेंट्स में यूटराइन प्रोलैप्स विथ सोर फीलिंग एट द फंडस ऑफ यूटरस, रिलीव बाय द प्रेशर, प्रोस्ट्रेशन वॉन्ट्स टू लाई डाउन एट ऑल द टाइम्स, शी थिंक्स वूम इज सॉफ्ट एंड फबाइल. तो ये यूटराइन कंप्लेंट्स में लिखेंगे. यूटराइन कंप्लेंट्स में नो की वर्ड एट सर्च इन द गिवन थिंग और द गिवन नेम, बट हमें ये याद में रखना है. जस्ट विद द स्टमक कंप्लेंट्स यू हैव टू नोट डाउन दिस कंप्लेंट्स टू. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर द ड्रग. तो पहले तो ड्रग रिमेंबर करेंगे, तो कैसे ड्रग रिमेंबर करेंगे, ड्रग का जो पेज खोलेंगे आप लोग, तो मैंने कैसे ये पूरा रेड पेन से भर दिया है, पूरा अंडरलाइन कर दिया है, पूरा ऐसे राउंड कर दिया है, यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया मैंने. तो दिस इज व्हाट द वे ऑफ लर्निंग, और दिस इज व्हाट द वे ऑफ यू नो टेकिंग ऑफ नोट्स और रीडिंग द ड्रग. ठीक है, तो पहले तो आप लोग कलर पेन यूज करोगे, वो भी रेड कलर का पेन यूज करोगे. मोस्टली ब्लैक के ऊपर जो आप रेड कलर से यू नो अंडरलाइन करते हो या फिर पॉइंट आउट करते हो ना, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू नो अंडरस्टैंडिंग और हेल्पफुल टू रिमेंबर द थिंग्स. लाइक आई विल शो यू, सी एवरी टाइम कहीं पे कौन सी भी पेज ले लो आप, मैं रेड कलर से ही करती हूँ, क्योंकि दिस इज यू नो हेल्पिंग मी टू अंडरस्टैंड, दिस इज हेल्पिंग मी टू रिमेंबर द ड्रग. राइट, उसके बाद की पॉइंट्स को रेड पेन से अंडरलाइन करेंगे डबल. ठीक है, ऐसे अभी ये की था, ये ब्लैक में नहीं लिखा, फिर भी मैंने ऐसे इसको डार्क कर दिया है कटारल को. सो ये आपको करना है. देन आपको अंडरलाइन करने हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स. अभी ये ब्लैक पेन से है, तो आप लोग सोचेंगे क्यों इसने अंडरलाइन किया होगा, लेकिन नहीं, इसको भी आप लोग अंडरलाइन करोगे और इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे सेपरेट नोट्स में. और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपको है ना बहुत ज्यादा सेपरेट नोट्स जितना भी आप लोग निकालोगे ना, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. ठीक है, सो गोनिंग हंगरी फेंट फीलिंग एट द इपिगैस्ट्रियम. सो दिस इज व्हाट मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस ड्रग. सो ये आपको अलग से लिखना होगा. जब आप लोग अलग से लिखोगे आपके नोट्स में, देन यू विल रिमेंबर मोर ऑफ दिस. ओके, देन रिवाइज, बहुत बार रिवाइज करोगे आप, 10 बार रिवाइज करोगे ये ड्रग को, देन यू विल रिमेंबर, देन यू विल बाय हार्ट दिस ड्रग, एंड देन यू विल रिमेंबर दिस ड्रग इन दी पेशेंट के सामने और इन दी यू नो ओपीडीज में, या फिर कभी भी एग्जाम में ले लो, कभी भी आपके टीचर भी कुछ भी पूछेंगे ना पॉइंट एबिस कैनेडिनसिस का, यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग. ठीक है, स्टार द की नोट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो हाउ आई हैव स्टार्ट दिस की नोट, सो दिस की नोट को आप लोग स्टार करोगे, यहां पे भी की नोट है, यहां पे भी की नोट है, सबको आपको स्टार करना है. ठीक है, एंड वेन यू विल स्टार दिस दैट टाइम, जब आप लोग बुक खोलोगे ना, देन यू विल रिमेंबर कि यू हैव टू लर्न दिस और यू हैव टू मेक फोकस ऑन दिस पार्ट. चलेगा, सो दिस वॉज द टूडेज ड्रग, एंड आई होप यू लाइक दिस ड्रग, एंड इफ डू देन डू लाइक कमेंट एंड शेयर, ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. थैंक यू.